जय स्वामीनारायण। वेलकम टू रेखा क्याड़ा हॉबीज। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम मूंग दाल के वड़े बनाएंगे। ये मूंग दाल के वड़े मॉनसून और विंटर दोनों में खाने में बहुत मज़ा आता है। मूंग दाल के वड़े बनाने के लिए एक पतीली में दो छोटे बाउल मैंने मूंग की दाल ली है। पतीली में मैंने एक गिलास पानी डाल के इस दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। ऐसे मैंने दो बार धो लिया है। इस दाल में एक गिलास मैंने पानी डाल दिया है और 5-6 घंटे के लिए उसको भिगो दिया है। वड़े के मसाले में हमें जो जो सब्जियां चाहिए वो मैंने काट के रखी है। 3 हरी मिर्च को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी धनिया को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। 2 प्याज को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। थोड़ी सी मेथी को भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। 1 अदरक के पीस को मैंने ग्रेटेड कर लिया है। छः घंटे के बाद दाल अच्छी तरह से भीग गई है। अब इस पतीली में से पानी निकाल लीजिए। यहाँ वड़े बनाने के लिए मैंने पीली मूंग दाल का यूज़ किया है। अब इस पतीली में जो हमने हरी मिर्च काटी है वो डाल दीजिए। बाद में कटी हुई धनिया डाल दीजिए, ग्रेटेड अदरक डाल दीजिए, कटी हुई मेथी डाल दीजिए, कटी हुई प्याज डाल दीजिए। यहाँ मैंने प्याज को बारीक नहीं काटा है, थोड़ा मोटा ही काटा है जिससे क्रंची लगेंगे वड़े। अब इस पतीली में हम 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। एक साथ बेसन नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अब फिर से 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी और 1 चम्मच बेसन डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लो और थोड़ा सा पानी भी डाल दो। 1 चम्मच नमक डाल दो। यहाँ मैंने टोटल 5 बड़े चम्मच बेसन डाला है। हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। एक तरफ मैंने एक पैन में पहले से ही ऑयल को गर्म कर लिया था। अब इस ऑयल में डाल के मिक्सर में से हाथ की मदद से वड़े बना लीजिए। इस वड़े को थोड़े कच्चे हो तभी निकाल लो। कटोरी की मदद से इस वड़े को प्रेस कर दीजिए। प्रेस किए हुए वड़े को हमें दूसरी बार तलना है। इस वड़े को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है जिससे एकदम क्रंची वड़े बने। इस वड़े को कंपलसरी आप 2 बार ही फ्राई करें जिससे वो बाहर जैसे ही बने। देखिए, लग रहे ना एकदम क्रंची। अब हमारे ये वड़े रेडी हो गए हैं। उसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको थोड़ा तीखा चाहिए तो मैंने यहाँ कच्ची मिर्च को भी सर्व की है।
इस वड़े को मैंने टोमेटो सॉस, खजूर की चटनी और दही की चटनी के साथ सर्व किया है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।